और संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर घमासान जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं एसटी हसन, उनका बयान सामने आ गया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि बीजेपी सांसद का कोई कसूर नहीं, ये एक आतंकी घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई हो। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। पहली बात मुझे आप ये बताइए, ये जो हुआ है, जिस तरह से संसद की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? उनमें यूएपीए लगाया गया है जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ कानून है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है, सिक्योरिटी का जबरदस्त लैप्स हुआ है, जानते हुए कि आज संसद के ऊपर हमला हो सकता है, थ्रेट थी पहले से, उसके बावजूद सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया और ये लोग अंदर आ गए जूते के अंदर, वो ये इस तरह का बारूद लेके आ गए जिससे ये धुआं निकला। घटना को कितना सीरियस, क्या ये आतंकी घटने की तरह है क्या? ये जाहिर है एक टेररिस्ट तो हम सभी हो गए थे कि कौन कूदिया है, एक पहली निगाह में तो एकदम दिल में यही आया दिमाग में कि ये टेररिस्ट घुस गया है, ये कहीं कोई बम ना फाड़ दें, ये कहीं कोई गोली ना चला दें। तो ये इस सर्वोच्च पंचायत के अंदर इस तरह से कूद के आना, टेररिस करना, ये तो टेररिस्ट ही कर सकते हैं और कौन करेगा। तो आप मानते हैं इसे आतंकी घटना मानते हैं? मैं तो यही मानता हूं कि इसको आतंकी घटना के हिसाब से लेना चाहिए और इसकी सघन जांच हो और ये भी देखना चाहिए कि इसका कोई कनेक्शन खालिस्तानी मूवमेंट से तो नहीं है जो उसने पन्नू ने थ्रेट करी थी और जो धुआं निकाला है इन्होंने वो भी पीले रंग का था। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए आप कि ये जो बीजेपी के सांसद जिनके पास पर आए थे, आप भी सांसद हैं, आप लोग भी पास जारी करते हैं, ये बीजेपी के सांसद के रोल के बारे में क्या कहेंगे, उनका कसूर मानते हैं आप? देखिए, हम लोगों के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 20-22 लाख वोटर होते हैं, कोई भी आता है, एक एक को तो हम पर्सनली नहीं जान सकते, आते हैं कि साहब हमें पार्लियामेंट देखनी है, हमें दिखवा दिए, हम साइन करके दे देते हैं। ये जिम्मेदारी तो सिक्योरिटी की थी कि वो देखते कि इसके पास कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, सांसद का इसमें क्या कसूर है? सांसद तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को नाराज तो नहीं कर सकता, जो आ रहा है उसको दिखवा दे। मतलब सांसद का कसूर नहीं मानते? नहीं, सांसद का कोई कसूर नहीं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब सांसद का इसमें कोई कसूर नहीं है, सांसद को सवालों में घेरना बेमानी हो जाता है। और सांसद यहां पर बीजेपी के हैं, मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा, जिनकी तरफ से पास जारी किया गया था, जो पास दिखाकर इन आरोपियों ने एंट्री ली संसद में और ये पहुंचे दर्शक दीर्घा तक, जहां से इन्होंने छलांग लगाई लोकसभा में, वहां जहां सांसद बैठे हुए थे और फिर वहां लोकसभा में जाकर वो पीले रंग का धुआं छोड़ा। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और अभिषेक उपाध्याय आप देख रहे थे अभी डॉक्टर एसटी हसन से बात कर रहे थे, लेकिन अभिषेक इससे आगे बढ़कर मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन वाली बैठक चल रही है, अब इसमें आगे के लिए इस पूरे मुद्दे को लेकर रणनीति किस रूप से बनाई गई है, क्योंकि कल तक जो बात की जा रही थी कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे और गृहमंत्री अमित शाह दोनों सदनों में बयान दें, इसी मांग पर आज विपक्ष जमा हुआ है। ये दोनों ही मुद्दे बहुत ही अहम है रोमाना, और जो हमारी जानकारी है इस बैठक में सबसे बड़ी बात जो सबसे पहले वो जो मांग रहेगी कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो बयान दें और पूरा सिलसिलेवार जानकारी दें और सिक्योरिटी लैप्स को सरकार एडमिट करे, जोर इस बात पे रहेगा कि सरकार ये माने कि उससे चूक हुई और बड़ी चूक हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जो राष्ट्रपति के पास जाने वाली बात थी वो एग्जैक्टली वो एक बड़ा मसला है, लेकिन इन सबसे बढ़कर के एक बड़ा मसला ये भी है कि आज जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं पार्लियामेंट में, तो आज संसद में कोई और बिजनेस नहीं होने पाएगा, जो हमें अभी तक समझ में आ रहा है यही मुद्दा उठाया जाएगा और संसद के जरिए इस बात को ये इंडिया गठबंधन रखने की कोशिश करेगा कि देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र के मंदिर में भी अगर सुरक्षा मुस्तैद नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार इस जिम्मेदारी को ओन करे। वो ये चाहेंगे कि सरकार या तो गृहमंत्री अमित शाह या फिर कोई और जिम्मेदार मंत्री आकर के इस बात को माने कि ये चूक हुई है और इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को घेरने की पूरी व्यू रचना इस मीटिंग में तैयार की जा रही है। नहीं तो इसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या तैयारी?
देखिए हमारी जो जानकारी कहती है कि ऑलरेडी चूंकि दो लेयर पे जांच चल रही है, गृह मंत्रालय ने जो DGCISF हैं उनकी अगुवाई में एक पूरी जांच दस्ता गठित कर रखा है, जो इस सुरक्षा का इशू है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल से अलग से जांच कर रही है और NIA जैसी एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं, चूंकि मामला UAPA भी लग गया है, आपको जानकारी है रोमाना, तो ये अलग अलग स्तर पर जाँच चल रही है। मुझे ये लगता है, हमारी जानकारी कहती है कि सरकार की ओर से जाँच का एक ब्यौरा दिया जा सकता है, उसके लिए एक पूरी एक खांचा तैयार किया गया है। होम मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं वो तमाम एजेंसियों के संपर्क में भी हैं और ये मुमकिन है कि सरकार की ओर से एक अभी तक की जांच का पूरा ब्यौरा रखा जाए और जो तस्वीर है उस तस्वीर को सामने रखा जाए। जी आप रहिए मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी जानकारी यहाँ पर अभिषेक की तरफ से दी जा रही है कि साहब विपक्ष ने मन बना लिया है, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी करने की तैयारी कर चुका है और इसी को लेकर विपक्ष की मांग कि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से संसद की सुरक्षा में ये जो सेंध का मामला कल हुआ है इसको लेकर बयान दें और सरकार जिम्मेदारी ले, सरकार माने इस बात को कि सुरक्षा में चूक हुई है, ये विपक्ष की तैयारी है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष की इस घेराबंदी का किस रूप में जवाब दिया जाता है। ABP News आपको रखे आगे।